और मेरा तो ये गुजारिश रहेगी, जब हाँ जब आपको विड्रॉल्स मिले, सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि आपने लिए बढ़िया सा एक लैपटॉप लीजिए, सेकेंड हैंड ले लीजिए, कोई नहीं आपको ये कह रहा है कि नया लैपटॉप लेना, और फिर देखिए आपको कैसे इंजॉय आता है, कैसे मजा आता है, कैसे आप इस टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे, इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। फिलहाल मन की बात में मुझे लग रहा है काफी सारी चीजें मैं अपनी तरफ से ही कह चुका हूँ, और आप सब लोग अगर जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप भी अपने मन की बात हमारे साथ शेयर करना चाहते होंगे। लेकिन नया वीक हमारा ये शुरू हो रहा है, और इस नए वीक में काफी सारी एक्टिविटीज होंगी, तो किसी भी अफवाहों पर आप ध्यान न दें, किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दें, आप केंद्रित रखें, केंद्रित रहें लक्ष्य की तरफ, ये 100% होगा और ये कभी भी हो सकता है बस, बट किसी के भी बहकावे में नहीं आना, किसी से भी कोई इस तरह की कमिटमेंट नहीं करना, चाहे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी हो, अरे उन्हें सीखने दीजिए, अगर सीखेंगे तभी वो बेनिफिशियल होंगे हमारी जो है इस ऑन पैसिव के मिशन के लिए, अदरवाइज वो भेड़ चाल में भीड़ इकट्ठा करना मकसद नहीं है मिस्टर ऐश का, भीड़ नहीं चाहिए उनको, उनको क्वालिटी पीपल्स चाहिए, उनको वो लोग चाहिए जो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एवरेज आदमी नहीं चाहिए। तो आपने एवरेज बनना है, डिफरेंट बनना है, आपको प्लेटफॉर्म मिस्टर ऐश ने दे दिया है, अपॉर्चुनिटी मिस्टर ऐश ने दे दी है, ठीक है, और रही बात एप्पल्स की, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगे, बाय डिफॉल्ट मिलेंगे, एक बार आप दुकान का शटर खोलने दीजिए, हमें पब्लिक जाने दीजिए, फिर हम सबको बताएंगे, मिस्टर ऐश ने कहा सबको सामने आ जाएगा, अगर आप आज की डेट में मुझ पर डाउट कर रहे हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, तो आपका डाउट करना भी बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वो डाउट क्लियर करने के लिए आपको करना क्या है, एजुकेशन, आप एजुकेशन लो, आपको भी समझ में आएगा कि इट इज पॉसिबल, आपको ये लगेगा कल को कि यार ये तो मैं भी कर सकता था, शुरुआत ही तो करनी थी ना, तो मिस्टर ऐश ने सिर्फ शुरुआत नहीं की है, उसको एक लेवल दे दिया है, और इस लेवल के बाद अब ऑन पैसिव को पीछे मुड़ के हमें, हम ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स को पीछे मुड़ के देखना नहीं है, और इस वक्त अगर कोई नेगेटिव हो जाते हैं तो वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर देंगे, ये जो पॉजिटिव फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी हम सब लोग 102 लोग यहाँ जुड़े हैं ना, हम जानते हैं, बस अपने अपने आप को जागृत कर लीजिए, किसी का नुकसान मत होने दीजिए, आप उसका भला करके देखिए, जो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी ना, वो पैसे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते, आपकी वजह से जब किसी दूसरे चेहरे पर मुस्कान आती है ना, वो जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो सेटिस्फेक्शन पैसों से कभी भी नहीं आ सकती, पैसे तो मुझे भी चाहिए और बहुत सारे चाहिए, लेकिन मेरे लिए पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी दूसरे के लिए किया गया ऐसा काम जो उसके चेहरे पे मुस्कान ला सके, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मुझसे कोई पैसे की इंपॉर्टेंस पूछेगा, चलो कोई बात नहीं, जिस तरीके से हम जी रहे हैं जीना, ये हमारे अपने कर्मों का फल है, जो कुछ भी हम एज ऑफ नाउ कर रहे हैं, और इसी तरह से जैसे कर्म हम यहाँ पे ऑन पैसिव में करेंगे, वैसे ही फल हम ऑन पैसिव से भी भोगेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग हेयर, और आज अजीजुर भाई हमारे बीच नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, पर पहले हमारे वो कनेक्ट में तालियां बजाने का एक मतलब वो है, प्रथा है, तो वो बजा देते हैं। तो मेरे पास वो कनेक्ट जैसी टेक्नोलॉजी है, मैं किसी दूसरे को क्यों बोलूं मेरे लिए ताली बजाए, मैं खुद बजा लूंगा, मैं भी खुश हो गया, आप भी खुश हो गए, आपका भी काम निकल गया, तो मिलजुल कर हम आगे बढ़ेंगे, यही प्रयास इनक्रेडिबल इंडिया का है, और इसी प्रयास में हमारे बीच अब हमारे बड़े भाई और द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, एक हम कहेंगे अगर हम इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, ऑन पैसिव की बात करते हैं, तो एक लीजेंड की तरह वो काम करते हैं, और बिना कहीं कोई लाइमलाइट में आए, उनको लाइमलाइट नहीं चाहिए, वो बैकएंड पे अपना जो भी सुजेशंस हैं, उनके जो भी आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, ठीक है ना, ये लोग मुझे मैन ऑफ आइडिया कहकर बुलाते हैं, ठीक है ना, तो ये आइडिया थॉट्स कहाँ से आते हैं, उसका कहीं प्रोसेस हो रहा होगा ना, ठीक है, और मैं नहीं कहता कि मैं इस लायक हूँ, लेकिन ये सम्मान लोग देते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे आप मैन ऑफ आइडिया बुलाइए, आप मुझे अजय शर्मा बुलाइए, छोटा भाई बुलाइए, फॉर सम मैटर्स अगर आपको लगता है मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, डांटिए, बताइए मुझे भी, मुझे मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए, मिलजुल कर हम सब चलने वाले हैं। तो मैं अब स्वागत करूंगा केरला से, हमारे मतलब इनफैक्ट इनक्रेडिबल इंडिया से, इनक्रेडिबल इंडिया, मैं केरला कभी गलती से बोल देता तो मुझे डांटते कि नो केरला से नहीं, आई एम फ्रॉम इनक्रेडिबल इंडिया, पर इनक्रेडिबल इंडिया से हमारे मेंटर सीनियर मोस्ट, हमारे जिनको हम कह सकते हैं, प्राउडली कह सकते हैं, द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, अनिल मैनन जी, स्वागत है बड़े भाई आपका, हम आपको भी सुनना चाहेंगे, और आज का ये नया वीक जो शुरू हो रहा है, आपका क्या संदेश है हम सभी के लिए, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बड़ा दर्जा दिया आपने मेरे को। यानी
इनक्रेडिबल इंडिया, आई एम, मैं जो भी हूँ इनक्रेडिबल इंडिया की वजह से हूँ। तो इनक्रेडिबल इंडिया किसका, किसने, हु आर द फाउंडर्स इसके? इनक्रेडिबल इंडिया के जो फाउंडर्स हैं, दैट इज आवर मैन ऑफ आइडियाज, मेरे छोटे भाई अजय सर, मेरे दूसरा छोटा भाई है रोहित सर, और अनुप सर इज अ टेक मैन ऑफ इंडिया। तो यानी कि इन सब की वजह से ही मैं आज, अगर कुछ लोग मुझे जानते हैं तो इन्हीं की वजह से। एनीवे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल भाइयों बहनों। देखो अब एक नया कॉल्स आज से या कल से आप में से कई लोगों को आया होगा कि फिर दोबारा 10 दिन एक्सटेंड हो गया है सर, क्यों हो गया है, ये ऐसे चलेगा क्या, सही पूरा का पूरा 24 ऐसे चलेगा क्या? अब ऐसे जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आप उसको क्या जवाब दोगे? जिस जवाब, मतलब कई बार ये क्वेश्चंस आए हैं, कई बार इनको समझाया है, लेकिन इसमें ना कुछ लोग ऐसे हैं कि वो, उन्होंने तय कर लिया है कि भैया वो जो पॉजिटिव या एक्चुअल कंटेंट है ना, उस पर वो भरोसा नहीं करने वाले। उनको चाहिए भैया एक्सटेंड हो गया, हाँ एक्सटेंड हो गया, ये 10 दिन से ज्यादा तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये उत्तर वो चाहते हैं। और ये उत्तर टेक्नोलॉजी में कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर टेक्नोलॉजी जो जानता है वो ये नहीं दे पाएगा, क्यों? बिकॉज देयर इज नो कैलेंडर डेट इन टेक्नोलॉजी, कंप्लीशन इज द फाइनल डेट। ये मैं हर बार, हर सेशन, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी सेशन में बताता हूँ, मैं भी बताता हूँ ये बात, हमारे अनुप सर भी बताते हैं ये बात, मेरे छोटे भाई अजय सर भी यही बात बताते हैं। देयर इज कंप्लीशन इज द डेट एंड टेक्नोलॉजी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो कई तरीके के टेक्नोलॉजी है, बट ए टेक्नोलॉजी विच इज यूनिक, ए टेक्नोलॉजी जो हम पहली बार हिस्ट्री में, इतिहास में हम पहली बार, जिंदगी में हम पहली बार देख रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अरे एक्चुअल में वी शुड थैंक दिन रात है ना, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब अपने भगवान को, या आप जिस पे भरोसा करते हो, जिन पे आप विश्वास करते हो, उनको जब याद करते हो, उनसे आप दुआएं जब मांगते हो, तो इन लोगों के लिए मांगिए जो 24 घंटे बैठकर हमारे लिए काम कर रहे हैं। उस एड सब के लिए मांगिए जो अपनी जिंदगी, मतलब अपने फैमिली को भी छोड़ के हमारे लिए वो बैठे हों। लेकिन ये समझने के लिए हमें कुछ वो नॉलेज ना, थोड़ा देर के लिए हमारे दिमाग को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। अब कुछ लोगों का, मैं आज डाटा तो नहीं दूं, मैं डाटा पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि सबके सब जब भी मैं आता हूँ ना, वो मेरे को एक शायद एक नाम भी मिला है, डाटा मैन आ गया, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी सेशन में मैं कुछ डाटा लेके आता हूँ कि मेरा एक